नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन टेक्नोलॉजी ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीसी लॉटरी के बारे में, 25 लाख की लॉटरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगी है 25 लाख की लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, मुझे लगी है पूरे 25 लाख की लॉटरी। और यह दोस्तों लॉटरी मुझे कैसे लगी है, क्यों लगी है, किस लिए लगी है और किन किन लोगों ने मुझे ये लॉटरी दी है, इसका जो दोस्तों पूरा प्रोसेस है वह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ताकि दोस्तों, अगर आपके पास में भी कुछ ऐसे मतलब लॉटरी के बारे में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप बहुत ही आसानी से लॉटरी को ले सकते। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर पर मेरा व्हाट्सअप था, उसी नंबर पर मुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। और जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी और यह फोटो है उसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। विजय कुमार बात कर रहा हूँ, केबीसी हेड ऑफिस से कौन बनेगा महाकरोड़पति से आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये जो नंबर आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया हुआ है, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ये केबीसी कौन बनेगा महाकरोड़पति और ऑल इंडिया सिम कार्ड में लकीरों कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें आपका ये नंबर भी शामिल था। आपके इस नंबर पे 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा है। आपको और आपकी फैमिली को कांग्रेचुलेशन, बधाई पेश करते हैं। आपका ये 25 लाख रुपए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है मुंबई में। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर आकाश वर्मा का व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, वो नंबर लिखकर उस नंबर पर कॉल करें और अपने प्राइस के बारे में जानकारी लें। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कीजिए, 8053016701। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं आकाश वर्मा, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। आपने इस नंबर को अपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, अपने व्हाट्सएप में सेव करके अपने व्हाट्सएप से कॉल करना है। आप जैसे ही कॉल करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर आपसे बात करेंगे। आपने उनको बोलना है कि जो हमारा लॉटरी आपके पास पहुंचा है वो हमें कैसे मिलेगा, तो वो आपसे लॉटरी नंबर, प्राइस नंबर पूछेंगे। आपका लॉटरी नंबर है 0366, ये आपका प्राइस नंबर है जो आपने बैंक मैनेजर को बताना है। और आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, जैसे आपको ये वॉइस मैसेज मिले आपने जल्दी से इस नंबर को अपने व्हाट्सएप में ऐड करके अपने व्हाट्सएप से कॉल करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, इस वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे कहा गया था कि आप अगर ये लॉटरी लेना चाहते हैं तो आप इस नाम के व्यक्ति से संपर्क करें, यह आपको लॉटरी दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग में यह कहा गया था कि जैसे ही आपको यह रिकॉर्डिंग मिले, आपको ये मैसेज मिले, आप देर ना करें और तुरंत ही इस नंबर को, जो नंबर दिया गया है यहाँ पे, उसे अपने व्हाट्सएप में सेव करें और तुरंत ही उसे को व्हाट्सएप वॉइस कॉल लगाएं। तो दोस्तों, मैंने देर ना करते हुए, 25 लाख का मामला था और मैंने देर ना करते हुए तुरंत उसका जो नंबर था वह मैंने अपने व्हाट्सएप में सेव किया और तुरंत उसको मैंने व्हाट्सएप वॉइस कॉल लगाई। तो दोस्तों, उनसे मेरी क्या बात हुई थी, इसको आप बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों देखा आपने कि यह जो आदमी है वह उनसे कह रहा है कि आप अपना नाम, नंबर, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, और आप इतना सारा डिटेल हमको भेजिए, तभी हम एक फाइल बनाएंगे और फिर हम आपका जो पैसा है वह आपके खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, मैंने देर ना करते हुए मैंने अपना सब कुछ सारा इनको मैंने सेंड कर दिया, अपना आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और अपना नाम इनको मैंने सेंड कर दिया। तभी दोस्तों मैंने 5 मिनट बाद उनको कॉल लगाई और तभी उन्होंने कहा, बेटा अभी थोड़ी देर रुको, 5 मिनट आप रुको, तभी हम 5 मिनट बाद आपका जो पैसा है 25 लाख रुपये वह आपके अकाउंट में हम दे रहे हैं, आपका सारा फाइल बन के अब तैयार हो गया, तो 5 मिनट की बात है, 5 मिनट आप रुको। तभी दोस्तों क्या हुआ, 5 मिनट मैं रुका और फिर मैंने उनको कॉल लगाई और तभी क्या हुआ, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो, यानी कि मेरा जो सर्टिफिकेट था वह उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं जूम करके यहाँ पे कि कैसा मतलब यहाँ पे लिखा था, मेरा नाम लिखा था। दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया था कि अपना नाम मैंने दूसरा बताया था और मैंने यहाँ पे इसलिए नाम दूसरा बताया था कि क्या पता ये तो हैकर हो सकता है और हो सकता है ये हमारा खाता मतलब कैसे भी करके हमारी कोई भी आईडी, जीमेल आईडी को यहाँ पे हैक कर ले। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे अपना दूसरा नाम बताया था और क्या होता कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो मतलब फाइल उनकी तैयार हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, उनको मैंने फिर से कॉल लगाई और कहा कि सर अब तो सब काम हो गया है और अब आप मेरा जो रुपया है वह मेरे खाते में डाल दो या फिर डिपॉजिट कर दो।
उन्होंने कहा बेटा हाँ हम रुपए तो आपको डाल देंगे, लेकिन क्या है कि मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका जो पैसा है भाई आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा सर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या मतलब ऐसा मतलब क्या हो गया, क्या गलती होगी? तो उन्होंने कहा बेटा कि जैसे कि आपको पता है कि आप मतलब कोई बाहर से पैसा मंगाते हैं तो आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ता है ना कि जीएसटी? हाँ सर देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आपका 25 लाख का मतलब आपको 12,200 कुछ रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि पहले देना पड़ेगा, तभी आपका जो पैसा है वह आपके अकाउंट में जाएगा। तो मैंने कहा सर कि मतलब मेरे पास में इतना रुपये तो है नहीं, मेरे पास में 5,000 रुपये है जो मैंने मतलब किसी से दिया था किसी काम के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं सर से बात करता हूँ। और थोड़ी देर के बाद में वह मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है जितना आपका पैसा है वह हमें भेज दीजिए। तो दोस्तों मुझे क्या करना था भेज के, मैं तो खाली उससे मतलब मजे ले रहा था, मैं बोला था कि हाँ मतलब क्या कहेगा नहीं कहेगा। तो दोस्तों मैं इन सब के बारे में पहले से अलर्ट था, तो मैं दोस्तों जो भी उसे भेजा अपना जो मोबाइल नंबर था वह भी मैंने दोस्तों किसी और का दिया था, वह भी गलत दिया था और पता नहीं कहाँ जाके नंबर लगा था। और मैं जो नाम भेजा था वह भी मैंने गलत भेजा था, उसे अकाउंट नंबर और सब कुछ मतलब मैंने फेंक दिया था, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आपने उस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एंड में वीडियो आएगा तो आप उसे जरूर देखें, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो आप वहाँ भी जाकर उस वीडियो को देख सकते। दोस्तों देखा आपने कि यह हमें अपने बात में उलझाने का कितना कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं दोस्तों इसके बारे में पहले से अलर्ट था, पहले से जागरूक था, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ में ऐसा मतलब 4-5 दोस्तों के साथ में हो चुका है कि उनका 20-25 हज़ार रुपये लूट गया है इसी तरह से, लॉटरी के चक्कर में आ गए और उनने अपना सब कुछ सेंड कर दिया और रुपये भी उनके अकाउंट में डाल दिए। तो इसके इरादे थे कि मतलब हमें लूटने के 12,200 रुपये लेने के। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, और आपके अगर पास में अगर इस तरह का कोई मैसेज आएगा तो आप उसकी तरफ गौर नहीं देंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि यह आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर पर इसलिए कॉल करते हैं कि आपको वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, और व्हाट्सएप पे कॉल इसलिए करते हैं, एक कारण इसका और भी है कि ये है आपके व्हाट्सएप को हैक करना चाहते हैं। अगर आपको आपने इन्हें कोई भी OTP सेव कर दिया, OTP बता दिया, तो ये आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं और आपका जो व्हाट्सएप में नंबर है, आपके जितने भी व्हाट्सएप नंबर है चाहे 100 हो 200, इनके पास में पहुँच जाते हैं। तो यह क्या करते हैं कि मतलब आपके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं यह बारी बारी से सबको कॉल लगाते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि आपका 25 लाख का लॉटरी लगा है और आपके आपके परिवार को पूरी तरीके से बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप उनकी मीठी बातों में नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आप इस तरह की वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर, कुछ नई ट्रिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।